व्हाई यू फील प्रिटी ड्रेन्ड आउट व्हेन यू आर ऑन अ लो कार्ब डाइट. इसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन कि आप अचानक से अपने कार्ब्स इनटेक कम करे हैं एंड अपनी फैट इनटेक बढ़ाए हुए हैं, सो आपकी बॉडी समय लेती है आपके फैट को एज एन एनर्जी यूज करने में और आपके स्टोर्ड फैट को, आपके ये चर्बी जो जिसे हम कहते हैं, इसको एज एन एनर्जी और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने में. पहला रीजन. दूसरा रीजन, आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे होंगे. दूसरा रीजन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंसुलिन स्पाइक. इसको यहाँ पे एक लाइन जारी होगी जो इंसुलिन बता रही होगी कि कितना हो रहा है. तो अगर आप सिंपल कार्ब ज़्यादा खाएंगे, जो कार्ब इंटेंसिव फूड ज़्यादा होते हैं जिनमें सिंपल कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर वो आप ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक होगा. आपका आपके पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे. उससे क्या होगा कि आपको तुरंत एक शुगर रश आएगा, एक एनर्जी हाई आएगी एंड जब इंसुलिन गिरेगा देन यू फील लो, देन यू फील कि आपके पास एनर्जी कम है, आपके पास एनर्जी उतनी नहीं है काम करने के लिए. तो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई यू फील लो व्हेन यू आर ऑन अ लो कार्ब डाइट. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इंसुलिन स्पाइक कम हो रहा है. जब इंसुलिन स्पाइक कम हो रहा है इस ग्राफ में, इसका मतलब यह है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा खाएंगे तो आपके इंसुलिन स्पाइक कम होगी, आपका इंसुलिन कॉन्स्टेंट रहेगा और आपको कभी भी लो फील नहीं होगा.